बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा झुलका अपने समय की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने न केवल हिंदी बल्कि उड़िया, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। फिल्मों के साथ साथ वो अपने अफेयर्स को लेकर भी सुर्खियों में रहती थी। चलिए जानते हैं आयशा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। आयशा ने साल 1992 में फिल्म खिलाड़ी में काम किया था। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार नजर आए थे। फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई थी और दोनों रातों रात स्टार बन गए थे। इस जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया। दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी अब ऑफ स्क्रीन भी नजर आने लगी थी। उन्हें लेकर ये खबरें आईं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कुछ समय तक दोनों अपने रिश्ते को लेकर चर्चाओं में भी रहे, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया और दोनों अलग हो गए। खबरों की माने तो एक्टर नाना पाटेकर और एक्ट्रेस मनीषा कोइराला एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों को कई बार साथ भी देखा गया था और उनका रिश्ता अच्छा चल रहा था। कहा जाता है कि मनीषा ने नाना के लिए अपने प्यार के बारे में खुलकर कहा था। उन्होंने कहा कि वो नाना से प्यार करती हैं, लेकिन नहीं जानती कि उनका रिश्ता किस ओर जा रहा है। बताया जाता है कि तभी नाना की जिंदगी में आयशा की एंट्री हो गई और एक दिन मनीषा ने नाना और आयशा को साथ देख लिया, जिससे वो काफी नाराज हुई। एक वेबसाइट के मुताबिक दोनों ने लिव इन में रहकर अपने रिश्ते को ऑफिशियल भी कर दिया था। आयशा और नाना ने साथ में फिल्म आंच में काम किया था। साल 2003 में आयशा ने समीर वाशी से शादी कर ली। आयशा फिलहाल लाइमलाइट से दूर है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।